हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉरेस लैब्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 25 अप्रैल 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लॉरेस लैब्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 1.60% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। क्लोजिंग यहाँ पे 298.15 पे हमें देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे जरूर एक छोटी साइज की बॉडी बनी नीचे साइड में छोटी सी और ऊपर की साइड में बारीक से वीक देखने मिल रही है। आरएसआई की बात करें तो 42-43 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जाए नेगेटिव मूवमेंट के बाद पॉजिटिव साइड के। एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो 291 के आसपास देखने मिला, वहां से फिर हमें एक रिवर्सल में स्टॉक आते देखने मिला। रिवर्सल में आएगा स्टॉक अराउंड 300 के आसपास, उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में अपसाइड मुझे 306 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके इंट्राडे में जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। रिसेंटली अप्रैल के स्टार्ट में हमने जो है स्टॉक का एनालाइज किया था, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते वो हमने आपको बताया था। तो फिलहाल डेटा में कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा, तो इसकी वजह से वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो जरूर जाओ उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ सपोर्ट जो ना रेसन एसेज मार्केट डिफरेंट डेटा बना उसके बेसिस पे मैं मार्किंग जो थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करता हूँ 298.20 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 297.85 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 300 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी का वीडियो ऐड किया, उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 295.60 का, उसके बाद क्या 294 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 303.05 का, उसके बाद क्या 305.70 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जब आप उसी को कंसीडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो कल के लिए मेरा ओपिनियन जरूर एक स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग है, नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में हमारी क्लोजिंग की जो एक्सपेक्टेशन है एक यहाँ पे पॉजिटिव साइड की। बाकी थोड़ी सी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई 297 के नीचे तो यहाँ पे जो प्री ओपन मार्केट सेशन में बहुत जरूरी होगा स्टॉक को देखना, क्योंकि वहां से फिर स्टॉक हमें नीचे और आते हुए देखने मिलेगा, फिर रिवर्सल में अगर बाइंग आई तो नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कल के दिन के पॉजिटिव क्लोजिंग में जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के क्लोजिंग के बेसिस पे। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।